दोस्तों हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको यूनिट रेट कन्वर्जन। आपने यूनिट कन्वर्जन पढ़ा होगा, लेकिन ये यूनिट रेट कन्वर्जन क्या है शायद आपने पहले नहीं पढ़ा हो, तो इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, और जो फ्रेंड्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन को कंटिन्यू मिलता रहे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा ये बहुत रिक्वेस्ट आ रही है फ्रेंड्स की कि इस तरह से हमें बताओ कि अगर एक क्यूबिक फिट का रेट कुछ भी है 650 है तो उसका स्क्वायर फिट का या स्क्वायर मीटर का रेट क्या होगा, ठीक है ना। तो उनको कन्वर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है और बहुत ही यूजफुल है, ठीक है ना, बहुत काम आने वाली वीडियो है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि एक क्यूबिक मीटर में कितना सीएफटी होता है। बहुत से लोग तो इसको 35.31 भी लिखते हैं, 35.31 भी लिखते हैं, और मैं इसको 35.28 लेके चलता हूँ। तो ये भी अगर लेके चलोगे आप 35.31 सीएफटी तो गलत नहीं है, ठीक है ये, ठीक है। ये हमारा क्यूब है, ये 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, इसकी लेंथ भी जो है 1 मीटर है, हाइट भी 1 मीटर है, इसकी विड्थ भी 1 मीटर है, ठीक है। तो ये हमने पकड़ लिया इसको, एक क्यूबिक मीटर के अंदर 35.28 सीएफटी होता है, ठीक है ना। अब इसको स्क्वायर फीट में हमें पता होना चाहिए। तो एक स्क्वायर मीटर में 10.76 स्क्वायर फीट होता है, ठीक है ना। अब एक मीटर में कितना फिट होता है, 3.28 फिट होता है। ये बेसिक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए जब भी हम कर सकते हैं यूज करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फील्ड में बहुत काम आते हैं, और जिनके बड़े स्टोर हैं या अपना हार्डवेयर के शॉप्स हैं उनको, या किसी पास प्लांट है, ब्रिक्स का प्लांट है, ठीक है ना, टाइल्स का प्लांट है, ठीक है, या कंक्रीट ब्लॉक का प्लांट है, तो उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो देखिए अगर मैं ये मेरे को मालूम है कि एक क्यूबिक मीटर का रेट 650 रुपये है, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि एक स्क्वायर मीटर का रेट क्या होना चाहिए, ठीक है ना, एक स्क्वायर मीटर में कि क्या वैल्यू आएगी, एक स्क्वायर मीटर में हम कितना वैल्यू निकल के आना चाहिए, या एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक स्क्वायर फीट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ है, ये इनको पता होना चाहिए। तो हमें ये पता करना है कि एक स्क्वायर फीट की कॉस्ट क्या होगी, अगर एक क्यूबिक मीटर की कॉस्ट 650 है, स्क्वायर फीट की क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर मीटर में चेंज करना है, क्यूबिक मीटर से स्क्वायर मीटर में। तो देखिए ये हमने क्या किया है, वन मीटर ये पकड़ लिया है, ठीक है, 1 मीटर × 1 मीटर इसकी लेंथ, ये दोनों चीज़ साथ में लेके चलेंगे, ये वेरी करेगी, ये इसकी विड्थ मान लो या थिकनेस मान लो, ये वेरी करते रहिए, इस पर हमारा रेट चेंज होगा, ठीक है। ये है 1 मीटर, तो 1 मीटर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, इसका रेट 650 रुपये है, करेक्ट। तो एक स्क्वायर मीटर का रेट क्या हुआ, तो हमने क्या किया, 1 मीटर × 1 मीटर स्क्वायर मीटर होता है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हम, ये हमारा क्यूब है, अगर हम कोई भी कंक्रीट ब्लॉक है उसका साइज हमारा 400 बाई 200 बाई, इसकी जो थिकनेस है, मैंने कहा ना वेरी करेगी इसकी थिकनेस पर, थिकनेस इसकी 200 है, तो इसका मतलब क्या है, हम अगर कंक्रीट ब्लॉक इसको हम जो सेल करेंगे वो 200 mm की थिकनेस का वेरीफाई करके हम जो इसको सेल करेंगे कि हम 200 का कंक्रीट ब्लॉक सेल कर रहे हैं, या 100 का भी होता है, इसकी जगह 100 का भी होता है, तो हमें ये पता है कि हम 100 का बेच रहे हैं, ठीक है ना। 200 का हमने सेल किया है या 100 का सेल किया है, उन दोनों का रेट अलग अलग होगा। तो 1 मीटर × 1 मीटर, अब हम किसका सेल कर रहे हैं, हम 200 कर रहे हैं, 8 इंची का, 200 मतलब 8 इंची का। तो ये जो रेट है, ये एक क्यूबिक मीटर का रेट 650 होगा, है ना, इन दोनों को मिलाकर 1 क्यूबिक मीटर हो जाएगा, 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर हो गया 1 क्यूबिक मीटर, इसका रेट ये है। तो 1 × 1 मीटर × 1 मीटर यानी 1 स्क्वायर मीटर क्या होगा, तो इस ये जो रेट है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.20 से। ये 0.20 क्या है,
ये कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस है, कंक्रीट ब्लॉक थिकनेस ठीक है 200 mm। इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो करने के बाद कितना आएगा 130 आएगा। इसका मतलब क्या है, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट जो निकल के आएगी 130 रुपए निकल के आएगी। अगर कोई हमारे पास कस्टमर आया है वो क्या, हमने कहा है भाई हमारा रेट 1 क्यूबिक मीटर का 650, तो बोलो नहीं मेरे को 1 क्यूबिक मीटर में नहीं लेना है, मेरे को 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट रेट बताओ, मैं 1 स्क्वायर मीटर में लूंगा। तो आप उसको बता सकते हो कि एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट जी 130 रुपए है, ठीक है, उस हिसाब से हम उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि थिकनेस वेरी कर रही है ना, ये थिकनेस 1 क्यूबिक मीटर की है। अब क्या है, स्क्वायर मीटर में देना है हमें, तो स्क्वायर मीटर क्या क्या है, 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 200 mm, सिर्फ इसकी कॉस्ट देनी है। थिकनेस पहले 1 मीटर थी इसलिए इसकी कॉस्ट 650 आ रही है, अब 1 मीटर से सिर्फ 200 रह गई है इसलिए इसकी कॉस्ट 130 रह गई है। अगर ये 1 मीटर से ज़्यादा बढ़ जाएगी यानी 2 मीटर हो जाएगी तो इसकी कॉस्ट और डबल हो जाएगी, 2 मीटर हो गई, 1 मीटर में इतना आ रहा है तो 2 मीटर में 1300 हो जाएगा, तो डबल हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर हो गई। तो इसलिए इसकी कॉस्ट कितनी निकल के आई, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 130 रुपये निकल के आई, ठीक है। अब इसको हमने चेंज करना है कि भाई 1 स्क्वायर फिट की कॉस्ट कितनी निकल गई, तो 1 स्क्वायर मीटर के अंदर में 10.76 स्क्वायर फिट होते हैं, हमने यहाँ रख लिया इसको, ठीक है, तो 1 स्क्वायर मीटर में 10.76 स्क्वायर फिट होता है, ठीक है। तो इस ये वैल्यू हमारी इधर चली जाएगी, क्रॉस हो जाएगी ना, ये इक्वल टू में यहाँ चली जाएगी, तो 130 को डिवाइड कर देंगे तो 12 फिट आएगी, 12 रुपये निकल गई, यानी 1 स्क्वायर फिट की जो कॉस्ट आएगी वो निकल के 12 रुपये निकल के आएगी, उसकी थिकनेस 200 ही रहेगी, ठीक है ना, ये उसके लिए है जिसकी थिकनेस 200 है, क्योंकि इसी को कन्वर्ट किया हमने, अगर इसकी 300 रहेगी तो उसके रेट अलग हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसे निकालेंगे, सब चीज डिपेंड है इसकी थिकनेस पर, ये समझना है हमें सबसे पहले, ठीक है ना। इसकी थिकनेस अगर 200 की जगह 300 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू भी यहाँ चेंज हो जाएगी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 650 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू चेंज अलग हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको 650 को हम 300 से 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, ये देख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू 195 निकल के आएगी, मतलब इससे बढ़ गई, जैसे थिकनेस बढ़ी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है ना, ऐसे ये बढ़ती चली जाएगी, इसकी वैल्यू इसमें यहाँ तक आ जाएगी, जहाँ ये 1 हो जाएगी ये हो जाएगी, ये 650 आ जाएगा, जैसे यहाँ इसकी थिकनेस 2 मीटर हो जाएगी, इसकी थिकनेस 2 मीटर हो जाएगी तो वैल्यू भी डबल हो जाएगी, तो थिकनेस पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, और जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करें, सभी को फायदा होगा, ठीक है ना। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।